यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम, है ना। अभी हम पास टाइम है, 10 to 15 मिनट्स है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस। क्लियर है अभी सर तक? चेंज ब्लड स्ट्रीम मुझे समझ में नहीं आया उतना। हाँ, देखिए क्या है, चेंज इन ब्लड स्ट्रीम का मतलब है, इसको पहले थोड़ा नॉर्मल जो मैकेनिज्म है उसको समझ लीजिए। एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स, ब्लड के जो कॉम्पोनेंट्स है, पर्टिकुलरली प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जो ये दो कॉम्पोनेंट्स है, उसका जो फ्लो है वो दो डिफरेंट स्ट्रीम में होता है। ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग, मतलब ब्लड वेसल्स के पेरीफेरी में जो ब्लड का है, ब्लड का जो सेल्स है वो कॉन्टेक्ट में नहीं आते ब्लड वेसल्स का वाल का। ब्लड वेसल्स के वाल के कॉन्टेक्ट में प्लाज्मा वाला पोर्शन रहता है, ब्लड सेल्स बीच बीच से निकल जाता है। ठीक है, समझ गए? अगर आप ब्लड वेसल्स को ऐसे काट लीजिए, क्रॉस सेक्शन कर लीजिए, और ऐसा इमेजिन कीजिए कि एकदम लाइव देख रहे हो, ब्लड वेसल्स ऐसे कट गया, मैं फिर भी ब्लड फ्लो देख रहा हूँ, तो आप देखेंगे जितने आरबीसी डब्ल्यूबीसी है एकदम बीच से निकलता है, वो ब्लड वेसल्स के वाल के कांटेक्ट में नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। इनको मूव करके बाहर निकलना होता है, कैपिलरी में पार्टिकुलरली वही होता है, और नहीं तो बीच में होता है, प्लाज्मा पोर्शन होता है सराउंडिंग। प्लाज्मा बीच में भी होता है लेकिन सराउंडिंग में ज्यादा प्लाज्मा होता है। लेकिन जैसे ही स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन होगा तो इनको मौका मिल जाता है ब्लड सेल्स को कि वो ऊपर से गिर के ब्लड वेसल्स के वाल के कॉन्टेक्ट में आ जाए। ठीक है, और ये वैसे ही है जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, उसे पूछा जाता था कि ऐसे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में है तो थोड़ा सा कम हो गया स्पीड तो किधर फेंकाएगा, इधर फेंकाएगा कि अंदर आएगा, होता है ना। एक पार्टिकुलर स्पीड से अगर आपका वेलोसिटी मेंटेन है तो आप तो अपने चल रहे हो डायरेक्शन में, जैसे ही आपका वेलोसिटी स्पीड चेंज होता है तो एक फोर्स लगता है उसके ऊपर, वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद इमिडिएटली जाके ब्लड वेसल्स के वाल से चिपक नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के वाल में से ये भी एक सेली है, तो एक फोर्स के साथ वो ऐसे लुढ़कता हुआ आगे निकल जाता है। तो गिरना मतलब मार्जिनेशन, और उसके बाद फ्लो के साथ लुढ़कना, उसको बोलते हैं रॉलिंग। रॉलिंग करता करता जा रहा है, लेकिन इंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पे और ब्लड सेल्स के सरफेस पे एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है ना, उसी तरीके से एडेशन मॉलिक्यूल्स होता है। ये दोनों जब एक दूसरे से एडहेयर हो जाते हैं तो उनका फिर रॉलिंग रुक जाता है, वहीं पे जम जाता है, और जब ऐसे जम जाएगा तो उस सीन, उसको हम लोग बोलते हैं एडेशन, और उस सीनरी जो क्रिएट होगा उसे को हम लोग बोलते हैं पेमेंटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, और लास्ट क्लास का कुछ रह गया था मेरे को पोर्शन, उसको भी मैं आज कोशिश करूंगा कि दो चार स्लाइड इसके सर पीछे। स्लाइड 13 वंस मोर सर, बोलिए। 13 नंबर स्लाइड सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। आज की क्लास में ये बताइए, यस सर आज ये इसको इससे कोरिलेट कीजिए, मैंने क्या कहा कि मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज्ड वैस्कुलर प्रोनोटी मे बी ड्यू टू, में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होना चाहिए कि जो परमेबिलिटी नॉर्मली भी है या जो नहीं है वो कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करता है एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे लेन देन होता है, एक्सचेंज कहाँ होता है, कैपिलरी में ज्यादा होता है, तो कैपिलरी में कौन बैरियर, वहां तो ना टूनिका मीडिया है ना टूनिका एक्सटर्ना है, ले दे के एंडोथेलियल सेल्स ही है, तो इंडोथेलियल सेल्स ही परमेबिलिटी थोड़ा डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज्यादा परमेबल हो जाए तो इंडोथेलियल सेल को ही कहना होगा आपको। तो कैसे कैसे कहेंगे, क्या करेंगे इंडोथेलियल सेल्स को कि ज्यादा लीक हो जाए, ज्यादा लीकेज हो जाए, तो आप उसको तोड़ दोगे इंडोथेलियल सेल्स को। एक तरीका ये हो सकता है कि तोड़ ही दीजिए, ना रहेगा ना रोकेगा, है ना, तो तोड़ सकते हैं, या उसको इतना इतना डैमेज मत कर दीजिए कि उसको आप इंजुरी का नाम दीजिए, उसको रिट्रैक्ट कर दो, उसको छोटा कर दो। तो छोटे होंगे जैसे इस डायग्राम में, ये एक नॉर्मल इंडोथेलियल सेल है ना, ये दिख रहा है आपको, और बड़ा कर दीजिए, सिर्फ इसको देखिए, इसे सब समझ में आएगा। इसको देखिए, ये जो इंडोथेलियल सेल है ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर सेम शेप का यहाँ पे होता तो ये वाला गैप नहीं होता, इंडोथेलियल गैप इतना नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस इंडोथेलियल सेल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर दिया, इसमें टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना, एक इस तरह कि इस पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसका न्यूक्लियाई भी कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा है, मेम्ब्रेन भी कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा है, तो अगर ये छोटा हो गया तो नेचुरली गैप बढ़ जाएगा। एक तो ये तरीका हो, ठीक है ना, यस
एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा ये है कि कोई डैमेज कर, मतलब अभी से कॉन्ट्रेक्शन हुआ है, सेल टूटा नहीं, सेल को तोड़ दीजिए, एक पोर्शन इधर रह गया सेल का टूट के, तो बीच में गैप हो गया, टूट गया, ठीक है, तब भी यहाँ से निकलेगा, मतलब अभी एक गैप से निकल रहा था, टूटे हुए पोर्शन से भी निकलना शुरू हो गया। तीसरा भी टूटना ही है, लेकिन यहाँ पे तोड़ता कौन है, लीकोसाइट, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है लीकोसाइट डिपेंडेंट एंडोथेलियल इंजरी, यहाँ डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, तो ये डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी है, ये लीकोसाइट डिपेंडेंट एंडोथेलियल इंजरी, दोनों सेम मैकेनिज्म है, बस एजेंट का अंतर है, इसमें डायरेक्ट हो रहा है, इसमें लीकोसाइट की वजह से, बाकी दोनों का सेम। ये है ट्रांससाइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांससाइटोसिस में देखिए ये जो गैप है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ये नॉर्मल एंडोथेलियल गैप जंक्शन, ये वाला और बड़ा, ये वाला जो गैप है ये भी नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स है, ये भी नॉर्मल है, तो ये जो इसका जंक्शन है ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए था, जो इसमें बड़ा हो गया, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था। अगर आप गैप को नहीं बढ़ाते तब भी बाहर करना है चीजों को, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, तो तरीका क्या बचता है कि सेल्स के बीच से ही ले जाओ, उसको साइटोप्लाज्म से ही क्रॉस करा, कैसे, जैसे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होता है, इस सर्फेस से एंडोसाइटोसिस हुआ, इस सर्फेस से उसका वोमिटिंग हो गया, इसी का हम लोग बोलते हैं ट्रांससाइटोसिस। वाटर वैक्यूल बन गया ड्यू टू एंडोसाइटोसिस, वो वाटर वैक्यूल जाके फिर अपोजिट सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करके उसका एक्सोस्टोसिस या वोमिटिंग कर दिया, तो यहाँ के पानी बाहर चले गए, ठीक है, समझ गए। Yes, और एक तरीका ये होता है कि ब्लड वेसल्स जो बाय बर्थ आपके अंदर बना है वो तो है ही, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिमांड नए ब्लड वेसल्स ही बनते हैं, जिसको बोलते हैं नियो एंजियोजेनेसिस, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जरिए देखने को मिलता है। तो कैसे बनेंगे नए ब्लड वेसल्स, तो ब्लड नए ब्लड वेसल्स के लिए क्या चाहिए होगा, उसको भी एक एंडोथेलियल सेल्स का चाहिए होगा जो उसका कार्ड बनाएगा। तो नए एंडोथेलियल सेल्स कहाँ से आएंगे, जो पुराने हैं उसका माइटोटिक डिवीजन से आएगा। इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखिए तो एंडोथेलियल सेल्स का डिवीजन शुरू हो गया, अभी तक हर डायग्राम में दो मैं दिखा रहा था, एक और एक दो, इसमें एक दो तीन हो गए, उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड हो रहा है ना, ये शुरुआत हो गया है, ये न्यूक्लियस एक दूसरे के अलग, और फाइनली ये दो, अब होना था नॉर्मली दो, अब बन गए चार, तो दो कहाँ जाएंगे नए ब्लड वेसल का फॉर्मेशन के लिए और शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक ब्लड वेसल से मान लीजिए एक पार्ट निकल रहा था, तो चार ब्लड वेसल हो गया तो चार पार्ट निकलेगा, लीकेज हो गया है ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, तो बस यही है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, और नहीं है तो ये फोर्थ वाला जो है एग्जुरेशन ऑफ प्लाज्मा, अगर उधर की चीजें समझ गए तो इधर आप खुद ही फ्रेम कर लो। अगर ब्लड सेल्स, अब मैं कह रहा हूँ कि स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन हो गया, मैं कह रहा हूँ कि इंक्रीज वैस्कुलर प्रोबेबिलिटी हो गया, तो जब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो चीजें बाहर आएंगी, सेल भी आ सकता है प्लाज्मा भी आ सकता है ना, तो जब प्लाज्मा बाहर आएगा, प्लाज्मा पहले भी आ रहा था, लेकिन ये वाला प्लाज्मा आना उस प्लाज्मा आने में दोनों में अंतर ये है कि नॉर्मल प्लाज्मा का अमाउंट कम होता है प्लस उसका जो कंटेंट है उसे प्रोटीन कम होता है, लेकिन इंफ्लेमेटरी कंडीशन के बाद जो प्लाज्मा बाहर आ रहा है उसका अमाउंट भी ज्यादा होता है प्लस उसे प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। बाहर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा और ज्यादा फ्लूइड को सक करेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एग्जुरेशन। अब ये इसको कैसे कोलेट करोगे उससे कार्डिनल साइन से, ये एकदम काउज है आपका जो स्वेलिंग होता है ना ट्यूमर, कार्डिनल साइन का टर्म है ना स्वेलिंग या ट्यूमर, उसका है एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा एग्जैक्ट स्वेलिंग के लिए जरूरी है। डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स माइल्ड के लिए मैंने कहा था, लेकिन जो प्योर स्वेलिंग हो रहा है जो ट्यूमर है दैट इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ प्लाज्मा ब्लड फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम लोग एक्सुडेट बोलते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को एक्सुडेशन बोलते हैं और उस कंपोनेंट को एक्सुडेट बोलते हैं। इस डायग्राम में ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट का सबसे ऊपर में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पता है ना, पेरिकार्डियम पे भी दो लेयर होता है, एक जो हार्ट के साथ चिपका हुआ है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, जो हार्ट से थोड़ा अलग है उसी को प्योर पेरिकार्डियम हम लोग बोलते हैं, मतलब सिरोसल लेयर और विसरल लेयर, विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम ही एपिकार्डियम, और जो ये है आपका सिरोसल लेयर उसमें गैप होता है, तो दोनों के बीच का गैप को जो ये जो आपका एपिकार्डियल स्पेस है उसे फ्लूइड होते हैं, थोड़ा होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में देखिए बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया, एपिकार्डियम को हटाया है फोर्सेप्स से, आपको फ्लूइड दिखाना चाह रहा है, इस पूरे एरिया में फ्लूइड भर गया,
तो ये एडिमा एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल व्यू है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एडिमा जब बनते हैं, ये स्किन का है हिस्टोपैथोलॉजी, तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है ना वाइट वाइट वाले, ये सब फ्लूइड एक्युमुलेशन है, ये सब सेल्स है। जितना पिंकिश स्टेन ले रहा है वो नॉर्मल है, यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए था, पिंक जैसा ही होना था, लेकिन इस एरिया में देखिए व्हाइटिश हो गया बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, हिस्टोपैथोलॉजिकल भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इमिग्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, 6 पॉइंट थे, मैं पांचवा पहुंच चुका हूँ। इमिग्रेशन मतलब बाहर जाना, इमिग्रेट होना, आई से होता है तो अंदर आना, ई से होता है तो बाहर जाना, ठीक है, एक्सपोर्ट टाइप का हो गया बाहर जाना। इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ब्लड का ब्लड जो वाटरी पार्ट था वो जब बाहर गया तो आपने नाम दिया उसको एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा। अब जब उसका सेलुलर पार्ट बाहर जाएगा, पार्टिकुलरली WBC जब बाहर जाएंगे तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, नेचुरली है। अब कौन सा ल्यूकोसाइट जाएगा ये भी डिसाइड करता है इरिटेंट, और डिसाइड करता है टाइम, शुरू में न्यूट्रोफिल, बाद में लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स जो कि बाहर मैक्रोफेजेस हो जाते हैं। तो ये डिसाइड चाहे जो भी करे, लेकिन ल्यूकोसाइट्स बढ़ने लगता है बाहर। अब इस एरिया में देख रहे हैं जो पहले ही मैंने दिखाया, न्यूट्रोफिल अंदर होने चाहिए थे खून के अंदर, ब्लड वेसल्स में होना चाहिए था, ब्लड वेसल्स के बाहर एक्युमुलेशन होने लगा न्यूट्रोफिल जैसे चीजों का। तो ये है इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जो टंबल होते होते अभी जहाँ पे एडहेर हुआ था, पेवमेंटिंग हुआ था, वहां पे बैठा नहीं रहेगा, वो लाइव है, सिर्फ जुड़ा है एंडोथेलियल सेल से, लेकिन उसका अंदर का फिजियोलॉजी चलता रहता है, और फिर डायबिटिसिस करता है, अपना पैर बनाता है, पैर बना के दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच से अपना पैर निकाल के बाहर हो जाता है। ऐसे झाड़ी, कहीं आपके गाँव में झाड़ी वाड़ी होते हैं ना, तो ऐसा लगता है मैं उस पार नहीं जा पाऊंगा, लेकिन वहाँ पानी डालिए तो इधर से घुस के ऐसे ऐसे उस पार निकल जाता है, या कोई बच्चा भी पार हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा पर, एक बार को देखने को लगेगा कि नहीं पार हो पाएगा, लेकिन उसमें होते हैं। तो उसी तरीके से जो सेल के ब्लड से ब्लड वेसल्स का जो वाल है, उसका जो मैट्रिक्स वाला जो कॉम्पोनेंट है, उसके बीच से निकलना हो तो WBC अपने पतला पैर बना के, जिसको डायबिटिसिस बोलते हैं, ऐसे निकलता है, उसमें बहुत एनर्जी खर्च करता है, फाइनली वो थक के फिर आराम भी करता है बीच में, फिर एनर्जी गेन करता है, फिर पैर बना के धीरे से बाहर निकल आता है नॉर्मली भी, लेकिन इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको मौका ज़्यादा मिल जाता है। नॉर्मली क्या होता है, बीच बीच से ब्लड सेल्स निकल गए ब्लड वेसल्स के बीच से, तो ब्लड वेसल्स के वाल के कॉन्टेक्ट में ही नहीं आया, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आ जाता है, तो उसको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा WBCs बाहर आएंगे। और फाइनली है एरिथ्रोसाइट्स का बाहर आना, RBC का, ठीक है। RBC दो तरीके से बाहर आता है, एक जो मैं कह रहा था डायबिटिसिस वाला, उससे भी आते हैं, पैसिवली भी आते हैं, और एक होता है कि आपका ब्लड वेसल्स में रप्चर हो जाए, टूट जाए, हैमरेज हो जाए, है ना, ठीक है। ड्यू टू रप्चर भी बाहर आ सकते हैं, और पैसिवली भी आ सकते हैं भाई, इंट्रावेस्कुलर प्रेशर, WBC बाहर निकल रहा होता है, उसके साथ साथ यही पीछे से निकल लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ RBC, डायबिटिसिस ऑफ RBC। अब बहुत ज़्यादा अगर RBC बाहर दिख रहा है, RBC बहुत ज़्यादा निकलने लगा तो हैमरेज बोलोगे आप, बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि ब्लड वेसल्स में कहीं रप्चर हो गया, ब्रेक हो गया। तो इट वॉज ऑल अबाउट वैस्कुलर इवेंट्स, मैंने थोड़े पे बहुत ही डिटेल कर दिया है आपको, जितना लिखा नहीं उतना ज़्यादा बातें कर लिया है। अगर ये मैसेज क्लियर कट अब तक पहुँच रहा होगा तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, ठीक है। अगर आवाज़ क्लियर होगा, सुन रहे होंगे आप थोड़ा सिंसियरली, तो बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। ये कितना ही बुक पढ़ोगे, इधर उधर पढ़ोगे, आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता रहेगा। ये सिर्फ एक घंटा का क्लास अगर आपने तैयारी से कर लिए होंगे तो मुझे लगता है आपका प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि आपका अभी क्लास नहीं है तो 10 मिनट मुझे और दो, या 5 मिनट ही मुझे और दो। एक क्लास आपका जो पिछला वाला था उसमें 2-3 स्लाइड थे, उसको मैं चाहता हूँ पूरा कर लें, ठीक है। फिब्रिनस हो सकता है, मैंने आपको बताया कि सुपरेंट हो सकता है, इतना होगा आपको रिलेटेड टू एक्यूट, ठीक है। और हेमरेजिक, ये भी इंपॉर्टेंट, हेमरेजिक हो सकता है, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स का इतना ज़्यादा लीकेज होना ब्लड से, ब्लड वेसल्स में कि ब्लड आने लगे, तो हेमरेजिक एक्सुडेट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। सब एक्यूट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है UG लेवल पे, इसको आप छोड़ सकते हो, UG लेवल पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर जानना है तो लिम्फोसाइटिक, ठीक है, लिम्फोसाइट्स का एक्सुडेशन, लिम्फोसाइट्स बाहर आने और प्लाज्मा सेल्स बाहर आने लगे, ठीक है। क्रॉनिक, ये इम्पॉर्टेंट है, क्रॉनिक में जो एक्सुडेशन है, जो एक्चुअली एक्सुडेशन बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा, ठीक है,
फ्लूइड वाला पोर्शन नहीं होगा क्योंकि एडिमा इज नॉट द हॉलमार्क ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. तो इसका एक्सुडेशन फ्लूइड की तरह नहीं होगा, सेल्स का एक्सुडेशन होगा. कौन सा सेल? एकदम पक्का है कि अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो मैक्रोफेजेस होंगे. आपको आपसे पूछे व्हाट इज मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज आर द मोनोसाइट्स आउटसाइड द ब्लड जो ब्लड वेसल्स. म्यूट हो गया आपका. हां ठीक है, अभी जा रही है आवाज? यस सर आ रही है. तो मैं कह रहा था क्रोनिक में एडिमा इज नॉट द हॉलमार्क ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्लाज्मा फ्लूइड बाहर आके जमा होगा. तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें सेल्स का एक्सुडेशन होगा, मतलब सेल्स मूव करेंगे बाहर. कौन सा सेल? मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स. लिम्फोसाइट्स आप जानते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी आप जानते होंगे, ये सोर्स है. ये ट्रांसफॉर्म्ड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं. मैक्रोफेजेस क्या है? मोनोसाइट्स आउटसाइड द ब्लड वेसल्स. वो थोड़ा उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका थोड़ा फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो उसी मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस बोलते हैं. और जो टर्म्स दो आ रहे हैं, एक एपिथेलाइट सेल्स है और एक मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स है, ठीक है. ये सब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही मिलेंगे. तो मैक्रोफेज ही डिफ्रेंशिएट होते हैं एपिथेलाइट सेल्स. जब मैक्रोफेज एपिथेलाइट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो एक फैगोसाइटिक एक्टिविटी कम हो जाता है, सेक्रेशन एक्टिविटी बढ़ जाता है. मगर ये मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स जब बनते हैं तो इसका फैगोसाइटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और ये बनते ही इसीलिए, तो सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कुछ एक पार्टिकल है जो पड़ा हुआ है आपके स्किन में और आप चाहते हो कि उसको मैं फैगोसाइटोज कर जाऊँ, तो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक एक्टिविटी का है वो आएगा. और ऐसा एग्जाम्पल है कि आपका जो पार्टिकल है वो न्यूट्रोफिल से बड़ा है, तो न्यूट्रोफिल फेल हो जाएगा, उसको फैगोसाइटोज क्या करेगा, खुद ही छोटा है. तब क्या होता है कि मैक्रोफेज पहुँचते हैं. अब ये मानिए कि उसका साइज मैक्रोफेज से ही बड़ा है, मैक्रोफेज ही फेल हो जाएंगे. तब मैक्रोफेज के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि बहुत सारे मैक्रोफेज एक दूसरे से फ्यूज होकर अपना शरीर साइज बढ़ाना शुरू कर देता है. जब सेल फ्यूज करेंगे तो नेचुरल न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा, मतलब तो अंदर आ जाएंगे तो सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स, ठीक है. तो ये मतलब फ्रस्ट्रेटेड मूवमेंट मैकेनिज्म, मैं फैगोसाइटोज नहीं कर पा रहा तो चलो मैं भी अपना साइज बढ़ा रहा हूँ आपके जितना, तो फ्यूज होना शुरू कर देते हैं तो जायंट सेल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है. और देख रहे सर एक टर्म है ग्रेनुलोमेटस, ये टर्म कहाँ से आया? ग्रेनुलोमा से. मैं अगर ट्यूमर का थोड़ा आइडिया हो तो उसमें जितने भी टर्म आते हैं उसके सफिक्स लगते हैं ओमा, ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें एक एक्सेप्शन ये है ग्रेनुलोमा या हीमोटोमा, वो भी एक एक्सेप्शन है. ग्रेनुलोमा कोई ट्यूमरस कंडीशन नहीं. ग्रेनुलोमा क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो साइट, जो मेन साइट है जहाँ पे इन्फेक्शन है, वो एरिया समय के साथ पूरी तरह से डेड हो जाता है और लिक्विफाई हो जाता है. तो सेंटर में आपको लिक्विफेक्टिव एरिया मिलेगा, उसके सराउंडिंग सेल्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे लिम्फोसाइट्स, जैसे कि मैक्रोफेजेस, जैसे कि प्लाज्मा सेल्स, जैसे कि एपिथेलाइट सेल्स, जैसे कि फाइबर, सबसे बाहर में फाइबर, ठीक है. तो सबसे बाहर में फाइबर्स लिखेंगे. ग्रेनुलोमा आपसे कुछ व्हाट इज ग्रेनुलोमा, तो एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको बोलना होगा इट इज एक्युमुलेशन ऑफ एपिथेलाइट सेल्स एंड मैक्रोफेज. और डिटेल करना होगा तो आपको इसका हिस्टोलॉजी, इट इज द फीचर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. क्रॉनिक के अलावा भी बन सकता है, किस कंडीशन में? अगर फंगल इन्फेक्शन है, हर फंगल इन्फेक्शन में ग्रेनुलोमा बन जाता है, और बर्ड में तो बहुत तेजी से बनता है क्योंकि उनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत होते हैं. तो किसी फंगल इन्फेक्शन में ग्रेनुलोमा दिख सकता है, वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, लेकिन यूजुअली एनिमल्स में ग्रेनुलोमा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है. सेंटर मैंने बताया कि लिक्विफाइड कैजेटिव मास होगा, टूटे फूटे मरे हुए सेल होंगे, उसके सराउंडिंग सेल्स होंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स. कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एपिथेलाइट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, और उसके ऊपर होगा आपका फाइब्रोब्लास्ट भी होंगे, और सबसे ऊपर में पेरिफेरी में फाइबर्स के लिए होंगे, ठीक है. उसका मकसद ये होता है कि फाइबर उसको एक जगह पे वॉल ऑफ करना चाह रहा है कि जो चेंजेस हो रहा है यही हो रही है, मैं बाहर आपको नहीं जाने दूँगा, ठीक है. और इस तरह के चेंजेस आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन में ही दिखते हैं, जैसे कि टीबी हो जाए, फंगस को मैंने बताया, फंगस में अक्सर ही दिख जाता है, पैरासाइट हो, कुछ प्रोटोजोआ हो, या कोई फॉरेन चीज़ें जानवर जैसे कीड़बिल खा जाते हैं उस केस में. नीचे तो टर्म है, ट्यूमर अलग चीज़ है, मैंने पहले बता दिया आपको, ग्रेनुलोमा अलग चीज़ है. ट्यूमर में कैंसर में ओमा लगता है, लेकिन ग्रेनुलोमा ओमा लगने के बाद भी कैंसर नहीं है. और ट्यूमर में इसको और डिटेल पढ़ोगे. इसमें देखिए ये जो लीवर है,
जब ग्रेनुलोमा कंडीशन होगा तो इस तरह के नोड्यूल्स दिखेंगे, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन गए पूरे लीवर पे, छोटे छोटे नोड्यूल्स अगर आप देख पा रहे हैं मोबाइल पे तो पूरा नोड्यूलर हो गया। तो ये है आपका ग्रेनुलोमेटस कंडीशन। अगर इसका हिस्टोपैथोलॉजी यानी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर का बात करेंगे, ये ऐसे डिनोट करते हैं मैक्रोफेजेस को, एम और ऐसे लिख के, बीच का जो एरिया है ये कैजेटिव एरिया है यार, सब कुछ टूट फूट गया, ठीक है। सराउंडिंग में सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस, पिथलाइट सेल्स, ये सब। सबसे बाहर में ये जो एरिया है ये फाइब्रोब्लास्ट वाला, फाइबर वाला, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और एक ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है यूजी लेवल पे, इसनोफिलिक इन्फ्लेमेशन भी है, इन्फिल्ट्रेशन पे है, यहाँ पे इसनोफिल्स का मेजर रोल है। अगर आपको आइडिया हो तो इसनोफिल्स बॉडी में कब बढ़ते हैं, जब पैरासाइट हो या कोई एलर्जी हो, बॉडी में जब एलर्जिक कंडीशन हो जाते हैं या पैरासाइट है, किसी का नाक हमेशा बहता है, छिकता रहता है, एलर्जी हो गया, ठंड से एलर्जी हो गया, तो उसमें इसनोफिल बढ़ जाएगा। या बॉडी में मान लीजिए पैरासाइट्स है, पैरासाइट अभी बढ़े नहीं होंगे, पेस्कैरिस वगैरह है, तो बॉडी में इसनोफिल्स बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इसनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। इसको ग्रॉसली देखोगे तो ग्रीनिश, अगर कहीं पे इसनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हुआ हो तो एरिया ग्रीन हो जाता है। और हिस्टोपैथोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इसनोफिल्स का पहचानना होगा बाइन्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस कैसा होगा, बाइन्यूक्लिएट तो नहीं, बाइलोब्ड होगा न्यूक्लियस, प्लस उसके ग्रैन्यूल्स होंगे इसनोफिलिक, तो इसनोफिल्स पहचान में आ जाता है। तो इसको आप भूल सकते हैं यूजी लेवल। और कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स होते हैं जैसे फिब्रिनो सुपरेटिव, या फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन भी हो गया और सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन भी हो गया। जब दो इन्फ्लेमेशन एक साथ हो गए तो कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, द लीस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सोडेंट इज प्लेस्ड फर्स्ट। तो फिब्रिन और सुपरेशन में फिब्रिन कम इंपॉर्टेंट है, सुपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने फिब्रिन को पहले रख दिया, सुपरेटिव को बाद में कर दिया। वैसे पायोग्रेनुलोमेटस पस भी है, जब सुपरेशन है और ग्रेनुलोमा भी है, तो यहाँ पे पस वाला हो जाएगा प्राइमरी यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट, और ग्रेनुलोमा का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो पायोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ था अभी तक का आपका कहानी मेरा, आई हैव फिनिश्ड माय पार्ट। अगर आपको मेरा टाइम लेना हो तो आप ले सकते हो, मैंने बहुत देर पढ़ा दिया आपको, इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा हरी में भी पढ़ाया। आए भर अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से फ्री, ठीक है। चलिए बोलिए, सब क्लियर है, इज एवरीथिंग क्लियर? क्लियर है, समझ गए आप? आप खुद को अनम्यूट कीजिए, बताइए क्लियर है तो बताइए, कुछ डाउट है तो भी डिस्कस कर लो। यस सर, क्लियर है। चलो फिर मैं एंड करता हूँ, आप जाइए, लंच आपका लेट हो रहा हो। ओके, थैंक यू।